आज से एग्जैक्ट 10 दिन पहले मैंने ख़रीदा था सैमसंग गैलेक्सी S23 एंड उसी दिन मैंने इस फ़ोन को 5 बार गिरा दिया था बेड पर। उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई किडनी बेचकर जो ये फ़ोन लिया है इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है एंड इसी को मैंने अपने लाइफ का शॉर्ट टर्म गोल बना लिया। मैं सीधा गया अमेज़ोन पे, वहाँ मैंने देखे 100 केसेस जिसमें से मैं आपके लिए 2 बेस्ट केसेस लेके आया हूँ एंड 10 स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जिसमें से मैं आपके लिए 1 स्क्रीन प्रोटेक्टर बेस्ट लेके आया हूँ जो आपको इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरी वीडियोस पे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप अपने S23 पे कौन सा केस एंड स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ करते हो। सो गाइस ये वीडियो आपके लिए है एंड बाय द वे मैंने S23 पे ऑलरेडी अनबॉक्सिंग से लेके कैमरा एंड बैटरी टेस्ट पर वीडियोस बना रखी हैं। सो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो तो मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 डिफरेंट केसेस, एक है यहाँ पे ब्लैक कलर का एंड एक है यहाँ पे ग्रीन कलर का। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्रीन कलर वाले केस से। सो गाइस ये केस उनके लिए है जिनके लिए पर्सनालिटी से ज़्यादा लुक्स मैटर करते हैं। आई मीन दिस केस इज जस्ट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन एस्थेटिक एंड प्रोटेक्शन। इस केस का नाम है स्पिगन लिक्विड एयर एंड इस कलर का नाम है अबिस ग्रीन। लाइट वेट है एंड काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील होता है। S23 की ही तरह बॉक्सी डिज़ाइन में आता है एंड S23 का थिन एंड कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर को बरकरार रखता है। बैक टेक्सचर काफ़ी अच्छा एंड ग्रिपी फील होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है फ़ोन एंड क्योंकि मेरा फ़ोन क्रीम कलर का है और ये केस ग्रीन कलर का है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट कॉम्बिनेशन लगता है दोनों कलर का एंड इसके कटआउट्स आर जस्ट परफेक्ट। ऑनेस्टली ये वाला केस और जो अगला केस मैं आपको दिखाऊंगा दोनों के ही कटआउट्स आर जस्ट फिनोमिनल, इससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। इसको रिमूव करना एंड डालना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है जो कि एग्जैक्ट अपोजिट आपके सेकेंड वाले केस से, बट उसके अपने खुद के यूज़ केसेज हैं एंड क्योंकि ये केस ग्रीन कलर का है एंड हमारे फ़ोन के बेजल्स ब्लैक आते हैं तो इनमें एक कॉन्ट्रास्ट सा बैठ जाता है जिसके कारण हमारे S23 के बेजल स्टिल काफ़ी ज़्यादा पतले लगते हैं। हाँ ये केस ब्लैक कलर में भी आता है तो अगर आप वो लेना प्रेफर करते हो तो थोड़े से आपके बेजल्स मोटे दिखेंगे, बट अगर वो आपके लिए मैटर नहीं करता देन आप ब्लैक कलर वाला भी ले सकते हो। एंड अब इसकी प्राइस की बात करूँ तो गाइस इसका प्राइस फ्लक्चुएट होता है 800 से 1200 रुपये के बीच में अमेज़ोन एंड फ्लिपकार्ट दोनों पर ही। एंड फ्लिपकार्ट वाले पता नहीं क्या फूक के बैठते हैं, कभी कभी प्राइस उनके सीधा 2 गुना बढ़ जाते हैं, आई मीन गाइस लिटरली। एंड अब चलते हैं सेकंड वाले केस पर। तो ये केस उनके लिए है जो है टॉक्सिक, आई मीन क्लमजी एंड अपने फ़ोन को यहाँ वहाँ गिराते रहते हैं मेरी तरह, क्योंकि इस सेम ब्रांड का केस मैं अपने पोको F5 पर भी यूज़ कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से एंड ट्रस्ट मी गाइस उस केस का बिल्कुल भी वेयर एंड टियर नहीं हुआ है। 1000 बार मैं अपने फ़ोन को गिरा चुका हूँ, एक भी उसमें क्रैक या स्क्रैच पीछे बैक में कुछ भी नहीं आया। इसका नाम है निलकिन कैम शील्ड प्रो एंड जैसा कि नेम सजेस्ट करता है ये केस आपके कैमरा के लिए एक शील्ड देता है जिसको आप इजीली स्लाइड कर सकते हैं एंड कैमरा को भी प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। नाउ ये केस इज़ जस्ट परफेक्ट फॉर आउटडोर यूसेज, स्पेशली व्लॉगिंग के लिए, क्योंकि ये केस काफ़ी ज़्यादा ग्रिपी है एंड हार्ड केस भी है जिसकी वजह से इसको रिमूव करना एंड डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बट इट्स टोटली वर्थ इट अगर आप व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा करते हैं एंड यू नो देयर इज़ ऑलवेज अ चांस कि आप फ़ोन अपना गिरा सकते हैं या मे बी आप किसी हार्ड सरफेस पे उसको फ़ोन को सेट कर सकते हैं, तो उस टाइम ये केस आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। S23 को ये थोड़ा थिक कर देता है जैसे कि आप देख सकते हैं, बेजल्स भी काफ़ी मोटे मोटे दिखते हैं, बट इसमें आप डिफरेंट कलर ले सकते हैं। पर्सनली मुझे इसमें ब्लैक ही अच्छा लगता है क्योंकि इसके बाकी कलर एकदम शिट दिखते हैं। अमेज़ोन पर इसका प्राइस 800 से 900 का मिल जाता है, बस आपको चीपेस्ट वाला प्राइस ही देखना है क्योंकि अगेन फ्लिपकार्ट पे मत जाना, वो पता नहीं क्या फूक के बैठते हैं, आई डोंट नो गाइस कौन से सस्ते नशे करते हैं। सो वहाँ से केस मत लेना, ये वाला केस आप अमेज़ोन से ही लेना। हाँ इन दोनों केस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा सो आप वहाँ से ही जाके परचेज कर सकते हैं। अब बारी है टेम्पर्ड ग्लास की। सो गाइस ये है स्पिगन इज फिट एंड लिटरली दिस इज दी ओनली बेस्ट स्क्रीन प्रोटेक्टर फॉर आर S23। आई मीन इससे बेस्ट मार्केट में कुछ है ही नहीं। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ये, बट गाइस इसके डब्बे में 2 ग्लासेस आते हैं एंड आई थिंक कि टोटली वर्थ इट है। एक मैंने अपने फ़ोन पे ऑलरेडी लगा रखा है एंड एक मैं आपको बताऊंगा कि कैसे लगाना है। मुझे ये लगता है कि अगर आप 50,000 एक फ़ोन पे खर्च कर रहे हो तो उसमें थोड़े से एक्स्ट्रा और पैसे खर्च करके आप उस 50,000 को आने वाले टाइम में बचा भी सकते हो। पर्सनली दैट्स व्हाट आई थिंक। सो जैसा कि इसका नेम सजेस्ट करता है इज फिट,
इस ग्लास को लगाना गाइस लिटरली बहुत ज़्यादा ईजी है। सब कुछ तो इसने आपको करके दे दिया है, आपको बस खाली इसके 2-3 स्टेप फॉलो करने एंड आप इजीली इसको लगा दोगे। कोई भी बबल फॉर्म नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एकदम परफेक्ट सिमेट्रिकल लगेगा आपके S23 के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे क्विकली बताता हूँ उसको लगाना कैसे। तो गाइस बहुत ज़्यादा ईजी है कि मोल्डेड प्लास्टिक है, आपके फ़ोन के ही परफेक्ट शेप का है ये। तो इसके पीछे ग्लास है, वहाँ से आपको इसकी जो एडिसिव है उसको पील ऑफ करना है, वो देख के कि इसका बैक और टॉप कौन सा है। उसके बाद आपको इसको सिंपली फ़ोन पर रख देना है एंड यहाँ पे लिख रखा है कि आपको 30 सेकंड तक इसको ऐसे स्लाइड करना है दोनों साइड से। मैंने भी 30 सेकंड तक इसको किया था एंड बस हो गया। आपको इसको निकाल देना है ऊपर से एंड आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर ईजिली लग जाएगा, उसके ऊपर एक फिल्म होगी वो आप निकाल देना, बस हो गया। सो गाइस दिस स्क्रीन प्रोटेक्टर गोज वेल विद योर स्पिगन केसेस एज वेल एज योर निलकिन कैमशील्ड प्रो। एंड गाइस आपको कौन से बेस्ट लगते हैं स्क्रीन प्रोटेक्टर्स एंड केसेस फॉर आर S23? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वन।